बात की। और अगला सवाल मेरा यही है वानिया जी से। वानिया जी, हमने देखा 2014 में मोदी मैजिक चला, बंपर जीत हुई, 2019 में वो मैजिक बरकरार रहा। क्या वजह है ऐसा, कौन सा योग है ऐसा पीएम मोदी की कुंडली में कि ये मैजिक इस बार भी बरकरार है और ये बढ़ता ही जा रहा है लोगों में? धन्यवाद चीनम जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा। अगर हम मोदी जी की कुंडली की बात करते हैं तो उनकी कुंडली की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 17 सितंबर 1950। अगर हम मूलांक की बात करते हैं तो मोदी जी का जो मूलांक है वो 8 है, जो उनका भाग्यांक है वो 5 है, जो कुआं नंबर एक इंसान का लक फैक्टर होता है वो भी उनका 5 है। अगर मैं इस साल की बात करती हूँ तो ये शनि का साल है, शनि का नंबर है 8। 8 नंबर, आपने पास्ट में भी अचीवमेंट्स देखी होंगी, मोदी जी की जितनी भी पास्ट अचीवमेंट्स हैं सबका नंबर 8 है। इवन इनफैक्ट उनकी स्ट्रीट का रोड भी जो है वो भी नंबर 8 है। अगर मैं उनके डेट और मंथ को ऐड करती हूँ वो भी कहीं ना कहीं 8 पर आते हैं। पर्सनल ईयर की अगर हम बात करते हैं तो वो ईयर पर्सनल ईयर 7 पर आता है। तो आप देखिए कि 8 का इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा उनकी लाइफ में है। अब मैं आती हूँ उनकी अंतरदशा और महादशा पर। उनकी महादशा इस टाइम मंगल की है, मंगल में शनि चल रहा है, तो यहाँ भी वंस अगेन शनि उनके लिए बहुत सपोर्टिव है और ये साल भी शनि का है। सैटर्न का साल है तो कहीं ना कहीं उन्हें 8 नंबर की सपोर्ट हमेशा से जो है वो मिलती आई है और आगे भी ये सपोर्ट जो है उनको मिलती रहेगी। वृश्चिक लग्न की कुंडली है, वृश्चिक उनकी राशि है, बुध आदित्य योग उनकी कुंडली में बन रहा है, स्वराशि का मंगल है, रूचक नामक पंच महापुरुष योग भी जो है ये बना रहा है। ओवरऑल अगर आप देखें कि इनकी कुंडली में जो है इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है मंगल का, उनकी मेहनत का, आपने पास्ट अचीवमेंट्स देखे, आज इंडिया जो है विश्व गुरु बन चुका है या बनने जा रहा है। आप फॉरेन में देखिए, जो भी आप कितना हमारा जो रिस्पेक्ट है, जो मोदी जी के विजन है, जो मिशन है, जो वो दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन है, आप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री उठाइए, आप आईटी इंडस्ट्री उठाइए, वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स डिजिटलाइजेशन, हर चीज डिजिटल होती जा रही है, तो हर जगह मोदी मैजिक जो है अभी उन्होंने साधना भी की। तो ओवरऑल कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें आपने ग्रोथ नहीं देखी, जिसमें आपने प्रोग्रेस नहीं देखी, जो उनकी नीतियां हैं, जो उनकी विजन है, जो वो मेहनत करते हैं? बस मैं उनके लिए ये बोलना चाहूंगी कि उनको अपनी हेल्थ का, स्वास्थ्य का आने वाले टाइम में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, बट ओवरऑल जो है उनका करियर ग्राफ जो है, ये विजन उन्होंने 2027 तक के लिए नहीं जबकि आने वाले 20 साल के लिए दिया था, 47 तक दिया है। खाली ये वो जो अभी ये जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ये 2028 तक के लिए नहीं है, तो उनकी जो बहुत विजन बहुत दूर की है, मासेस को लेकर चलना, शनि, तो इस तरह से वो काफी ज्यादा लाइफ में आगे जाए। ठीक है वानिया जी, अब अगला सवाल मेरा रखेगा मनीषा आहूजा जी से।